सुश्री श्रीमती ममता टपलू। ये महामारी टाइम को जो चल रहा है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आगरा में या और भी जिलों में आपके हिसाब से क्या तैयारी चल रही है? देखिए, डेंगू भी एक महामारी के रूप में अब बनती चली जा रही है क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो कोई भी सुविधा नहीं है। हर जगह सीवर उफन रहे हैं, गंदगी क्षेत्रों में इतनी बढ़ गई है और आपको पता है जब गंदगी बढ़ती है तो बीमारी अपने आप ही बढ़ती है। कोरोना से अभी लोग उभरे भी नहीं हैं, उसके बाद ये डेंगू की मार लोग झेल रहे हैं। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलों में इतनी बद इंतजामी है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनको इलाज टाइम पे नहीं मिल रहा है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मेरा यही कहना है कि सरकार की तरफ से लोगों के लिए कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे देशवासियों को इतना झेलना पड़ रहा है कि पहले कोरोना की मार से भी नहीं उबर पाए, अब डेंगू की मार से को झेलना पड़ रहा है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा प्रशासन से कि साफ़ सफाई पर ध्यान दें, क्षेत्रों में काम करवाएँ, लोगों को हाइजीनिक एक सुविधा प्रदान करें जिससे बीमारियों से वो बचें। हाँ जी, सरकार का कहना है पूरी सुविधा। देखिए, सरकार तो जब से आई है वो तो पता नहीं क्या क्या कह रही है कि हमने इतने रोज़गार दे दिए, इतना विकास कर दिया, इतनी योजनाएं शुरू कर दी हैं। और पब्लिक भली भांति जानती है कि ये सिर्फ इनका काम जो होता है वो कागजों पे होता है, धरातल पे इनका कुछ भी नहीं है। मैं 2022 के लिए यही कहूंगी कि जनता बेवकूफ़ नहीं होती है, उन्होंने विश्वास करके इन्हें वोट जो वोट दिया था, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे जो हमने इन्हें वोट दिया, क्योंकि इन्होंने जो कहा था वो कुछ नहीं किया, सब कुछ उसका उल्टा किया। इन्होंने जनता की कमर तोड़नी शुरू की नोटबंदी से, और नोटबंदी से जो कमर तोड़ना शुरू करी है वो अभी तक थमी नहीं है। लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपना मन बना लिया कि 2022 में तो वो उनको सीट से उखाड़ कर ही फेंकेंगे।